वेलकम टू माय चैनल शिव प्रकाश क्लासेस दोस्तों। वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 के विषय में आज पढ़ेंगे दोस्तों। इसे पहले पढ़ने से पहले समझते हैं वायु प्रदूषण से मानव पर क्या बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है दोस्तों। वायु प्रदूषण के द्वारा बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जैसे दोस्तों सबसे मुख्य चीज़ है, हम सांस लेते हैं, जो हमारा वातावरण शुद्ध नहीं रहेगा तो हमको बहुत सारे बीमारियां हो जाएंगी या विकार हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाएगा, जिससे हमारे शरीर की प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता कम हो जाएगी दोस्तों। इस अधिनियम को पारित करने के लिए 1972 में स्टॉकहोम में दोस्तों मानव पर पर्यावरण कन्वेंशन हुआ था। उसी सम्मेलन के जो प्रावधान थे उसे लागू करने के लिए इस अधिनियम को पारित किया गया था। चलो दोस्तों देखते हैं इसके और क्या प्रावधान हैं। जून 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित मानव मानव पर्यावरण पर आयोजित सम्मेलन के नियमों या प्रावधानों को लागू करने के लिए विनियमित करना था। चलो दोस्तों देखते हैं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981, इसका बैकग्राउंड दोस्तों क्या था। जून 1972 में स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर आयोजित सम्मेलन के नियमों या प्रावधानों को लागू करने के लिए या विनियमित करने के लिए इस अधिनियम को पारित किया गया था। अब दोस्तों देखते हैं जो हमारे संविधान में क्या प्रावधान इसके लिए किया गया है। अनुच्छेद दोस्तों 253 है। अनुच्छेद 253 के तहत वायु प्रदूषण नियंत्रण निवारण एक्ट को पारित किया गया था। अब दोस्तों और देख लेते हैं हमारे संविधान में इससे संबंधित क्या प्रावधान है। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं 48 ए में अनुच्छेद 1 तथा वाइल्ड लाइफ को सुधार करने के लिए उचित कदम उठाना दोस्तों ये हमारे अनुच्छेद 48 में प्रावधान है। उसके बाद दोस्तों इसी तरह से प्रावधान हमारे मौलिक कर्तव्य में 51 ए जी में है, जिसमें बताया गया है प्राकृतिक पर्यावरण दोस्तों नदी
झील, वन, जंगली, जंगली जीवों तथा वनस्पति का संरक्षण करना था। अब दोस्तों देख लेते हैं फिर से, 48 अनुच्छेद है क्या, जिससे दोस्तों इसी में हमको लर्न हो जाए दोस्तों वन तथा वाइल्ड लाइफ से वाइल्ड लाइफ को सुधार करने के लिए उचित कदम उठाना है। 48 से जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में संशोधित किया गया था, इसमें 48 से जोड़ा गया था खंड। अब देखते हैं 51A जी, इसमें दोस्तों बताया गया है प्राकृतिक पर्यावरण में कौन कौन से चीज़ें शामिल हैं, नदी है, झील है, वन है, जंगली जीव हैं तथा वनस्पति है, ये सब दोस्तों प्राकृतिक पर्यावरण या नेचुरल इन्वायरमेंट में इंक्लूड या शामिल हैं। दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब दोस्तों देख लेते हैं वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या कदम उठाया जा सकता है जो एक प्रभावी हो सकता है मानव के जीवन की गुणवत्ता पर। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कदम, सबसे पहले दोस्तों जो हमारी फैक्ट्री या उद्योग हैं उनको शहरी क्षेत्रों से दूर लगाया जाए, उद्योगों को शहरी एवं आवासी आवासी क्षेत्रों से दूर लगाया जाए, और देख लेते हैं कम उत्सर्जन करने वाले ईंधन का प्रयोग किया जाए। दोस्तों जैसे कम उत्सर्जन वाले ईंधन का प्रयोग किया जाए, जिसमें इसमें LPG हो गया, हाइड्रोजन ईंधन हो गया, उसके बाद दोस्तों सौर ऊर्जा हो गया, इन सब स्रोतों से दोस्तों हमको प्रदूषण को कम करने में, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन कम करने में सफलता मिल सकती है। अब देखते हैं 30 में जैविक खादों का प्रयोग किया जाए, दोस्तों कृषि में जैविक खादों का प्रयोग किया जाए, क्योंकि दोस्तों जो गैसें होती हैं या हम जो पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं वो हमारे ज़मीन में जाती तो हैं, लेकिन इसका कुछ भाग दोस्तों हमारे इन्वायरमेंट में भी जाती हैं, जिससे हमारे ह्यूमन लाइफ को प्रभावित करती हैं। ये सब दोस्तों वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम थे। दोस्तों जितना फैक्ट था लगभग वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम से मैंने कवर कर लिया हूँ। मैं वीडियो अपना यहीं पर एंड करना चाहता हूँ। आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी साथियों का धन्यवाद।